नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वानी राजप्रोहित और आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट को कैसे सप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट किन्हें कहते हैं और कैसे इनका यूज करना है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले सीखना होगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ये जानकारी देनी आपको बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने अपनी क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर भी ये नाम सुने होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रत्यक्ष कर्म, और इनडायरेक्ट को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म, ओके। अब इनका यूज कैसे करना है, पूरी की पूरी जो आज की हमारी क्लास है वो इसी पर टिकी हुई है। हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पर इनका यूज कैसे हो और इनको कैसे पहचाने, हम आज यही सीखने वाले हैं। तो मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिखता हूं, जैसे पहला वाक्य लिखकर मैं आपको समझाता हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें ढूंढना कैसे है किसी वाक्य में। हिंदी का वाक्य लिखता हूं, जैसे सिंपल वाक्य एकदम जो हम रोज हमारी अंग्रेजी में यूज भी करते हैं, राजकुमार क्रिकेट खेलता है, राजकुमार क्रिकेट खेलता है। चलिए, राजकुमार यहां पर प्रिंस वाला राजकुमार नहीं है, किसी आदमी का, किसी बच्चे का, इंसान का नाम है राजकुमार, तो इसको बनाते रहे, राजकुमार क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले तो ये बात है कि ये टेंस, इंडेफिनिट टेंस है, जब हम टेंस सीखेंगे तब इसको इजीली सीख लेंगे, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट सीखे, टेंस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो राजकुमार क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले लिखेंगे इसको राजकुमार प्लेज, यहां पर रुक जाए, इसकी मेन वर्ब है प्ले और राजकुमार के साथ आकर एस लगकर बनाए प्लेज, यहां पर रुक जाए। अब सारी की सारी कहानी जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं वो यहीं से स्टार्ट होगी, मतलब कि आपकी वर्ब आपको बताएगी कि आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, है तो किस प्रकार के ऑब्जेक्ट है, और है कितने ऑब्जेक्ट हैं, दोनों है, एक है या फिर कोई भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके वाक्य में आया वर्ब प्ले, जो कि आपके वाक्य में मेन वर्ब है, यही आपको बताएगी, आपको अपने वाक्य में मेन वर्ब से क्वेश्चन करना होता है व्हाट का, जैसे कि हिंदी में भी कर सकते हैं, खेलना वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब से क्वेश्चन करें क्या राजकुमार खेलता है, क्या सीधा जवाब है ना आपके पास क्रिकेट, तो आप हिंदी से भी इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट सप्लाई कर सकते हो, राजकुमार प्लेज व्हाट, व्हाट से जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्ट है, आप यहां पे लिख दो क्रिकेट, राजकुमार प्लेज क्रिकेट। पर अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर ये ऑब्जेक्ट है तो कौन सा है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्ब से क्वेश्चन करें और व्हाट्स के, व्हाट के थ्रू क्वेश्चन करें और व्हाट से जो आंसर आपको मिल जाए वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष कर्म। तो यहां पर आपका जो क्रिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपका मेन वाक्य क्या बना, राजकुमार प्लेज क्रिकेट, इट मीन्स प्लेज से व्हाट का क्वेश्चन होके क्रिकेट आया, तो क्रिकेट का आंसर यहां पर बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसी तरह हम दूसरा वाक्य लिखते हैं और सीखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। राजकुमार मुझे सिखाता है, वाक्य की वर्ब में भी मैंने चेंज किया है, वाक्य में मैंने सब्जेक्ट वही रखा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर क्या, इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो ये बनेगी, देखो राजकुमार सिखाने को कहते हैं टीच, और क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इंडेफिनिट टेंस के अंदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेन वर्ब के साथ में एस और एस लग जाता है, जिसके अंत में सी एच ओ वहां पर ES लग जाता है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वेरी इजीली वी विल लर्न इट, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम सीखते हैं कि राजकुमार टीचेज, यहां तक हम आ गए हैं, ये यहां तक वाक्य बनता है आपका, ये दोनों वाक्य मिलकर
जो सबसे छोटा रूप होता है वो बनता है राजकुमार सिखाता है। पर अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सिखाता है, तो ये यहां पर क्वेश्चन करेंगे कि राजकुमार सिखाता है व्हाट। पहला क्वेश्चन करेंगे क्या जवाब है हिंदी के अंदर, देखें राजकुमार सिखाता है क्या, जवाब नहीं है, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इससे हम दूसरा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं होम, और होम का मतलब आपको पता है कि होम का मतलब होता है किसको, ठीक है। तो हिंदी से भी क्वेश्चन करते हैं राजकुमार सिखाता है, राजकुमार सिखाता है किसको, राजकुमार किसको सिखाता है। तो यहां पर जवाब ऑलरेडी हिंदी वाले इस सेंटेंस में दिया गया है कि मुझे सिखाता है, तो मुझे सिखाता है तो मुझे आई का यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिख दो, राजकुमार टीचर्स मी, राजकुमार टीच मी, राजकुमार टीच मी, ये आपका बन गया होम के थ्रू क्वेश्चन होके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज के बाद मुझे लगता है कि आप कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके प्रकार के रूप में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए इनके थोड़े से और यूज देखते हैं, आप इसके स्नैपशॉट ले सकते हो। आगे वाले वाक्य में हम देखते हैं कि दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में आकर कैसे वाक्य का निर्माण करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। वाक्य को एकदम छोटा कर लें, आप एकदम छोटा कर लें, मेन वाक्य क्या है, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने में परेशानी होती है तो उसको छोटा, उसका जो छोटा वाक्य है वो लिखे यहां पर, मैं पढ़ाता हूं, बस आपकी कहानी इतनी है। अब आगे आप देखें इसको सॉल्व करें, मैं पढ़ाता हूं क्या, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी कर लें किसको, ठीक है। अब हिंदी वाले सेगमेंट पे जाएं, देखें मैं पढ़ाता हूं क्या, ढूंढोगे इसमें अपने विद्यार्थियों को, जच रहा है नहीं जच रहा, मैं पढ़ाता हूं क्या अपने विद्यार्थियों को, नहीं, मैं पढ़ाता हूं क्या अंग्रेजी, यस, इट मींस इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन करें, मैं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं किसको, यहां पर क्वेश्चन करें तो किसको का जवाब आप देखोगे, मैं पढ़ाता हूं किसको अंग्रेजी को, नहीं अपने विद्यार्थियों को, तो यहां पर आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो होगा माई स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका जवाब यहां पे तैयार है। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा इसका ट्रांसलेशन करना है, आई TEACH मेन वर्ब, आई टीच मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, क्या इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है, किसको, माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका वाक्य ये तैयार है, पर हम में से अधिकांश एक गलती करते हैं, वो गलती क्या है देखिए अभी देखते हैं। आई टीच, हमने यहां पे व्हाट का क्वेश्चन किया तो जवाब आया इंग्लिश, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने यहां पे दूसरा क्वेश्चन किया होम का, यानी किसको, मैं पढ़ाता हूं किसको, हमारे पास जवाब आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में माई स्टूडेंट, ठीक है। पर एक बात आप ध्यान रखना नोट के रूप में कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगातार आए, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो बीच में प्रेपोजिशन टू लगानी पड़ती है आपको, आपको बीच में प्रेपोजिशन टू लगानी पड़ती है। अब दोस्तों इसके अंदर आप ये देखें कि कोई कहता है कि मुझे तो सर इसके अंदर टू नहीं लगाना, मैं तो टू नहीं लगाना चाहता, मैं तो सीधा ही बिना टू लगाए इस वाक्य को बना सकता हूं, क्या बन सकता है, जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। उसको बनाने के लिए आपको छोटा सा चेंज करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको एक नंबर क्वेश्चन की जगह तो करना होगा सेकंड नंबर, ये वाला क्वेश्चन होम, और सेकंड नंबर क्वेश्चन की जगह आपको करना होगा व्हाट का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब
पहले क्या करना, आई टीच होम, ठीक है। तो बना के देखते हैं, देखो इसको बना के देखते हैं। आई टीच एज इट इज लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई टीच हो गया। उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है सेकंड वाला, एक नंबर पर, एक नंबर पर क्वेश्चन करना है आपको होम का। आई टीच होम, मैं पढ़ाता हूं किसको, मैं पढ़ाता हूं, ये कर ले सीधा, मैं पढ़ाता हूं किसको, तो अपने विद्यार्थियों, आई का अपना माई होता है, आई टीच माई स्टूडेंट्स, आई टीच माई स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद में व्हाट का क्वेश्चन करें, क्या का क्वेश्चन करें, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन सेकंड नंबर पे ले आए। मैं पढ़ाता हूं क्या, तो मैं पढ़ाता हूं क्या अंग्रेजी, ये यहां पे लिख दें। अब आपको ये जो बीच में टू लगाया है आपने, यहां पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वाक्य ऐसे ही सही है। बट आपको करना क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेकर आना होगा और डायरेक्ट उसके बाद में लिखना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट उसके बाद में लिखते हैं, तो हमेशा पूरे ग्रामर के अंदर आपको प्रेपोजिशन टू के साथ उनको लगाना होगा, ओके। तो इनके अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं, मैं इनको मिटा रहा हूं, आप इसको पॉज करके स्नैपशॉट ले सकते हैं। हमने इतनी चीजें सीखी दोस्तों, अब जो चीज सीखने वाले वो ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम देखते ही कैसे पहचाने, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी देखते हुए कैसे पहचाने कि एक नजर में देखा और पहचान ले। मान लो इंग्लिश में कहीं पे लिखा और देखते पहचान ले, अच्छा ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे। उसके लिए देखो, ऑब्जेक्ट हमें पता है कि कितने होते हैं, दो, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इन दोनों की विशेषता क्या है, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपकी मेन वर्ब होती है, चाहे टेंस कोई कौन सा भी हो, मेन वर्ब जो होती है उससे जब आप क्वेश्चन करते हो व्हाट का, और इस व्हाट के क्वेश्चन से जो आंसर आता है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक नंबर विशेषता ये कि व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आ जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यस yes। अब इसमें सेकंड थिंग ये है, ये हमेशा नॉन लिविंग बीइंग्स होता है, मतलब कि हमेशा प्राय, हमेशा नहीं माने तो प्राय क्या होता है, निर्जीव होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। मतलब कोई निर्जीव ऑब्जेक्ट आपको दिखे वर्ब के बाद में, समझना कि ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आप जब अपने मेन वर्ब से क्वेश्चन पुट अप करोगे होम का, टेंस कोई सा भी हो, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, मेन वर्ब का ध्यान रखना, मेन वर्ब से ही ये क्वेश्चन करने हैं। होम का क्वेश्चन करोगे, किसको का क्वेश्चन करोगे, तो जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसकी भी जो खासियत वो ये है, ये हमेशा लिविंग बीइंग्स होते हैं, यानी कि ये सारे सजीव होते हैं। आप अपने पीछे के वाक्य उठा के देख लेना अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अब इनके अंदर जो नोट हमें याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में सीधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, तो दोनों के बीच में टू लगाना है, पहली बात ये, एक नंबर नोट, ठीक है। और दूसरा नंबर ये कि अगर इनको चेंज करना हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद हो, तो ये टू नहीं लगेगा, दोनों सीधे आ सकते हैं, बस आपके ऑब्जेक्ट इतने सही है। और आपको अब करने होंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करें और पाएं नोटिफिकेशंस लेटेस्ट वीडियोस के हाथों हाथ। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।